कस्बा कांडला में हिंदू इंटर कॉलेज प्रबंधक समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक करते हुए बालिका वर्ग का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के मुख्य रूप में पहुंचे अरविंद कुमार एजुकेशन सचिव उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। लाइब्रेरी हॉल में बालिका वर्ग में प्रथम शिक्षण सत्र प्रारंभ करने से पूर्व छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रधानाचार्य उदयवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बालिका वर्ग के शुभारंभ के साथ 60 छात्राओं ने अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश लिया है। मुख्य अतिथि अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि कांडला के हिंदू कन्या कॉलेज में बालिका वर्ग में बालिका वर्ग इंटर कॉलेज के खुल जाने से छात्राओं को लाभ होगा। प्रबंधक प्रदीप कुमार सिंगल ने बताया कि शिक्षा व सुरक्षा को गंभीरता के साथ लेते हुए बालिका वर्ग का शुभारंभ किया गया है। अभिभावकों को बेटियों का सपना साकार कर देश हित में आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमारे कॉलेज का इंटर का रिजल्ट जो आया है उसमें इंटर की कक्षा में कुल 123 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें 106 छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 15 छात्रों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 182 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें 180 छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान अभिभावकों के साथ सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांडला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। हिंदू इंटर कॉलेज कांडला में जो है बालिका वर्ग का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार जी थे और इसमें साइंस विषय के सहित वाणिज्य कॉमर्स और जी कला सभी विषयों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि अक्षेत्र में जो है साइंस और वाणिज्य वर्ग जो है लड़कियों के लिए पहले उपलब्ध नहीं थे, अब उसकी व्यवस्था की गई। जो लड़के हमारी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें जो है ये सुविधा ही उपलब्ध कराएंगे।